सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि, स्वागत है आप सभी का अंजलि डिज़ाइंस में। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी अम्ब्रेला प्लाजो की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग भी इस मेथड से बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कपड़े को मैंने वन फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब फोल्डिंग साइड का एक कॉर्नर को पकड़ के हमें ट्रायंगल शेप की तरफ इस तरीके से अरेंज कर लेना है। सारी ओपन साइड नीचे हो जाएंगी, सारे क्रीजेस को हमें बाहर कर लेना है। अब हम कॉर्नर पे वेस्ट का मार्किंग लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट ले लेना है। 36 साइज के अकॉर्डिंग मैं लूंगी यहाँ पे 8.5 इंच। 8.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। अब ऊपर से भी हमें इस तरीके से मेजर कर लेना है कि कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 10 इंच, तो पूरा एक जो सर्कल बनेगा वो 10 इंच पे बनेगा। सारे डॉट्स को मैच कर देना है। अब इसे मैच कर लेना है कि कितना आ रहा है। तो 1/2 इंच अगर एक्स्ट्रा आता है तो ठीक है, ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे ऊपर से भी कम कर सकते हैं। अब हमें क्रॉच एरिया का मार्किंग करना है। तो जितनी भी आपकी हिप्स है उसका 6th पार्ट ले लेना है। मैं यहाँ पर लूँगी 12 इंच। नीचे से लेना है हमें 2.5 इंच। इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट पे हमें इस तरीके से मिला देना है और नीचे हमें कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हम लेंगे लेंथ। तो आप जितनी भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग लगा लेना है। मैं यहाँ पे 30 साइज पे ही बनाऊंगी। मार्किंग करने के बाद हमें कट कर लेना है। नीचे वाला पॉइंट भी कट कर ले, इसमें हमारा जॉइंट लगेगा। कपड़ा कम होने की वजह से हम नीचे यहाँ पे जॉइंट अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कपड़ा हमने कट किया था उसी को नीचे अरेंज कर लेना है और फिर से लेंथ को फिर से मेजर कर लेना है। अरेंज करने के बाद इसे फिर से कट कर ले। हमें सारे पार्ट्स के जो जॉइंट्स हैं उन्हें अटैच कर लेना है। इस तरीके से अरेंज करते हुए मैं अटैच कर लूंगी। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर ले। सारे जॉइंट्स को अटैच करने के बाद दोनों पार्ट्स को नीचे की साइड से सीधा रख लें। अंदर साइड से सीधा रखने के बाद दोनों क्रॉच एरिया को जॉइंट कर लेना है। दोनों सीधे हिस्से अंदर की ओर ही रहेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से क्रॉच वाला जो पार्ट है उसे अटैच कर लें। क्रॉच पार्ट अटैच होने के बाद इसे सेंटर से हमें जॉइन कर लेना है। अब दोनों क्रॉच पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में अटैच होना चाहिए। इस तरीके से अरेंज करते हुए एक सिलाई पूरे नीचे से लगा लेना है। नीचे से 1/2 इंच रखते हुए पूरी सिलाई लगा दें।
अच्छा अगर फैब्रिक आ रहा है तो उसे कट कर लेना है। अब हम बेड के लिए कट करेंगे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। विड्थ में लूंगी 5 इंच और लेंथ जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें 2 इंच बढ़ा के लेना है। इस तरीके से कट कर ले। अब हम बेल्ट को इस तरीके से अटैच कर लेना है। क्रॉच एरिया से ही बेल्ट को अटैच करना स्टार्ट करें। एक सिलाई लगाने के बाद दोनों पार्ट को एक बार फिर से अटैच कर लेना। अब हमें जहाँ पे सिलाई लगाती है वहीं पे ही फोल्ड करके फिर से कॉर्नर की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट अटैच कर ले। तो आयरन करके भी स्टिच कर सकते हैं। लूज रखते हुए कपड़े को अटैच करें। यहाँ पे बेल्ट अटैच हो चुका है। आप इसमें इलास्टिक जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब नीचे वाला जो पार्ट है हमें उसे भी फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो इसमें पीको भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल ही 2 फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से पूरा जो बॉटम एरिया इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो आज का वीडियो हमारा बनके तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।